लुधियाना में बाप बना हैवान, लकड़ी के बल्ले से किया बेटे का कत्ल, रात के अंधेरे में सबूत मिटाने की कोशिश, हुआ गिरफ्तार। बीती देर रात एक पिता ने हैवानियत की सभी हदें पार करते हुए अपने 22 बरस के लड़के के सर पर लकड़ी का बल्ला मारकर उसका कत्ल कर दिया और अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए रात के अंधेरे में घर में पड़े कबाड़ और खाली बोरों को लाश पर डालकर आग लगा दी। खुलासा तब हुआ जब पड़ोसी ने घर के ऊपर निर्माण अधीन कमरे से आग लगी देखी तो उन्होंने घर के मालिक रमेश्वर पाल को आग लगने और धुआं निकलने के बारे में बताया तो उसने झूठ बोलते हुए खुद घर में पड़े कबाड़ को आग लगाने की बात कही। पर आग ज्यादा होने से शक पैदा होने पर जब पड़ोसियों ने अपने घर की छत से देखा तो मामला शक की होने पर रमेश्वर के अलग रहने वाले लड़के सुशील को इसकी जानकारी दी। जब उसने आकर देखा तो इस कत्ल की बाधा से पर्दा उठ गया। उसने तुरंत गांव के सरपंच और लोगों को इकट्ठा कर इसकी जानकारी दी। थाना टिब्बा में भी इसकी जानकारी दी गई। सूचना पाकर थाना प्रभारी सुखदेव राज खुद घटनास्थल पर पहुंचे और अंजलि लाश को अपने कब्जे में ले लिया और दोषी को भी अपनी हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि दोषी की तरफ से कुछ समय पहले अपने बड़े भाई पर भी कातिलाना हमला किया गया था। दोषी रमेश्वर पाल किसी निजी अस्पताल में चौकीदार की नौकरी करता था जिसको कुछ समय पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था। दोषी के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं सहित मामला दर्ज कर अदालत में पेश किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई। जगीरपुर जड़ी रात घटना हुई ना, जगीरपुर असी सुशील कुमार के बयान से FIR दर्ज की है। परमेश्वर का बड़ा लड़का जिसके बयान से FIR दर्ज हुई है, सुशील कुमार ने लिखाया सी मेरे प्यो ने, मेरा प्यो तो मेरा भरा जिहड़ा वह जगीरपुर कलोनी च रहिंदे है ते जिहड़े वह उत्थे सिर्फ बर्तना की सफाई करन पिछे लड़ पए आपस में ही। पहला एक दूए का मारिया तो मुंडा भज गया, एक दूए तवा मारिया तो वह निकल गया। मुड़ के उन्हें जदों पौड़ी चढ़ गया मगर प्यो ने जाके एक मतलब मंजे की बाही टैप होंगी जिस तरह ना वह चीज़ मार के उहदे सिर च ते उहदा कतल करता। और जदों कतल हो गया उस तो बाद उस बंदे ने उहदे उपर सीमेंट के बोरे उन्होंने को खाली पए सी घर दे विच घर बनाउंदे सी वह बोरे पा के तो कुछ प्लास्टिक का समान सी जिहड़ा उन्होंने पा के तो उहनूं अग लाती। वह जो लोगों ने धुआं निकलता वेख्या फिर इन मदे इन मुंडे कॉल की यह आया फिर इन्हें आके सानू पता लगे असी भी जा रहे तो रास्ते मिले असी FIR दर्ज की FIR नंबर 91 मिति अज की है 6/6/302 इन्होंने अपने लड़के नू मार के उहदी शहादत नू खत्म किया। वह असी FIR दर्ज की है, मौके पर जाके लाश कब्जे च लै गए असी पोस्टमार्टम लई सिविल अस्पताल भेजती है। जिहड़ा दोषी रमेश्वर है इहनूं असी अरैसट कर लिया। यह है तो मजदूर तबका है जी और रहन वाले ने यूपी दे ने हरदोई जिले दे रहन वाले है। लड़का जिहड़ा बड़ा है वह बंदा बहादुर कलोनी रहिंदा है। यह जिहड़ा लड़का इन्हें मारिया इहदा नाम सुधीर है, इहदी उम्र 22 साल सी, ठीक है जी। हरदोई दे रहन वाले है, मां इहदी जिहड़ी हैगी मुंडे दी मरन वाले दी वह यूपी गई है। सुशील कुमार यही था सर, मेरे को तो रात को पता लगा, मुझे आप नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं। रात को जब मुझे फोन आया 1:15 जब मैं उसके बाद मुझे रास्ते में 10 मिनट लगा, 1 बजे मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे देखा कि सारा मतलब डेड बॉडी पूरी खत्म हुई थी। तो उसके बाद सारे पुलिसकर्मी भी वहाँ पे पहुंचे हुए थे, उन्होंने बयान बयान देते हैं। उसको किसने इन्फॉर्म किया था? ये तो सर मेरे को नहीं पता है, मोलो वालों ने पता होगा। आपको कुछ पता चला था क्यों मारा गया, कैसे मारा? सर ये बात तो मैं नहीं कह सकता कि कैसे मारा गया। उन्होंने वो कहते हैं कि मतलब यही बता रहे थे कि मैंने तवा मारा था पहले, रोटी बनाने वाला तवा। उसके बाद इन्होंने
बोरे ले जाके ऊपर घसीट के लेके गए। ऊपर घसीटने के बाद ऊपर आग उग ला के सड़ता उन्हें। डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए। जिन्होंने जो की उन्होंने सजा तो होनी चाहिए। नहीं इतने नहीं, वो पेंड रहते। मैं सुभाष नगर।